हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय शर्मा, कृष्णकांत कौशिक आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज आपके सामने फिर से एक वीडियो के साथ जो सांप के बारे में है। दोस्तों मुझे दुख है, इसको मार दिया गया है। मैंने कोशिश की इसको बचाने की, और भी दो लोग थे जिन्होंने इसे बचाने की कोशिश की थी, जिनके घर में ये निकला उन्होंने भी सोचा इसको जाने दो, क्योंकि जितनी देर हम यहाँ वहाँ बैठे इसको ढूंढ रहे थे और एक दो बार इसको देख लिया था हमने अच्छे से, तब तक हमने इसकी पहचान करने की कोशिश की। सबने अपने अपने फ़ोन खोले, सर्च किया, जिनका घर था एक्चुअली, तो उनके जो बच्चे थे पढ़े लिखे थे वो डॉग लवर हैं, और मेरे साथ डॉग्स के लिए बाकी एनिमल्स के लिए जितना कर पाते हैं करते हैं, तो उन्होंने कोशिश की इसको जाने देंगे, छोड़ देंगे निकला तो। लेकिन और लोग मोहल्ले में थे जो अक्सर सांप को मार देते हैं, 5-6 सांपों को अब तक मार चुके हैं, गलती उनकी भी नहीं है, अज्ञानतावश, डर के वश, सुरक्षा कारणों से। टिकटॉक वगैरह पे वीडियो आती रहती हैं, अभी जल्दी में आई है पंजाब से एक वीडियो जिसमें एक छोटी सी बच्ची को सांप ने काटा, पता भी नहीं चला कौन सी वो ब्रीड थी, क्या था, काट के अंदर घुस गया, मोटर पानी का मोटर था वहाँ पे, वो बेचारी वहीं ऑन करने गई, उसको बच्चे ने सांप ने काटा और वो ख़त्म हो गई वहीं पे। हालांकि वो जितने भी जानवर होते हैं अपने को बचाने के लिए डर से काट लेते हैं, पीछे पड़ के कोई जानवर नहीं भागता काटता, तो इसको बेचारे को मार दिया गया, अपनी जान बची रहे, क्योंकि ये निकलते हैं वहाँ कभी कभी रात को निकल जाते हैं, तो लोग डर के मारे इनको ख़त्म ही कर देते हैं, उनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है सांपों के बारे में, दामन को मार देते हैं। और ये तो पता भी था कुछ लोगों को कि कुकरी है, बट नहीं पकड़ में आया तो मार दो भाई, तो गलती मेरी भी हो गई, मैंने पता नहीं क्यों बता दिया, मैंने क्यों पकड़ने की कोशिश की इसको जाने देता, जहाँ से आया था मैंने सोचा इसको पकड़ लूँगा तो बचा लूँगा, तो मैंने पकड़ने की कोशिश की, वो बीच में ही कूद पड़े लठ लेके, डंडा लेके, मारो मारो मारो, ये डिस्कवरी चैनल बन रहा है यहाँ पे, इसको डिस्कवरी चैनल बनाएंगे, मेरे को हटा दिया और इस पर लाठी डंडे बरसा दिए। मरने के बाद भी बड़ी मुश्किल से इसको वहाँ से उठा के लाया, केवल इसलिए कि जानकारी प्राप्त कर सकूँ, लोगों तक कुछ जानकारी दे सकूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी ये निरपराध जानवर हैं, कम से कम जो बिना जहर के हैं, है ना, मैं समझता हूँ यहाँ पर रेस्क्यूअर नहीं है, इसने एक रेस्क्यूअर नहीं है जो उनको बुलाया जाए, फ़ोन किया जाए और वो जहरीले सांप को पकड़ लें या किसी भी तरह के सांप को पकड़ लें, क्योंकि लोगों को तो पहचान नहीं होती और आसान भी नहीं है पहचान करना, मुझे भी पता है, मुझे शायद लगता है कि मैंने 2-4-10 सांपों की पहचान कर ली है तो मेरे को कुछ आता है, लेकिन जब मैं ऐसा कोशिश करता हूँ किसी सांप को बचाने की तो मुझे बहुत विरोध झेलना पड़ता है। बहुत लोग मेरे बारे में बात करते हैं कि मरवाएगा किसी को, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो डर मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे को जब तक थोड़ी बहुत पहचान नहीं थी मैं भी डरता था, लेकिन मैंने मारा कभी किसी सांप को नहीं, किसी भी जानवर को नहीं मारा, कभी छोटी उम्र में मार दिया होगा तो मार दिया होगा। तो मैं बार बार आपको इसका मैं यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ फ्रेम को, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा देर तक आप इसको देखें बेचारे को, ये कॉमन कुकरी ही है ना, ये रहा इसके सर से बिल्कुल साफ पता लग रहा है कॉमन कुकरी है और जहर का नहीं है। इसके बेचारे के मरते ही कुछ लोग आए, दो लोग आए, और उन्होंने तो देखते ही बोल दिया ये तो भाई कुकरी है, और इसका कुछ और नाम लिया, सांठल, पता नहीं क्या नाम लिया, कि इसको तो मारना नहीं था, इसको तो जाने देते भाई, ये तो चूहे खाता है, मेंढक खाता है, कुछ नहीं करता, हार्मलेस सांप है। तो और मैं भी फ़ोन पे उनको दिखा चुका था सब लोगों को, भाई देख लो इसको जाने दो, कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा पकड़ ले, मैंने कोशिश की पकड़ने की लेकिन मैं भी नहीं पकड़ पाया, थोड़ा डर गया जब ये थोड़ा एग्रेसिव हुआ तो। और दूसरी बार, दूसरे अटैम्प्ट जब मैंने कोशिश की इसको, तो दोबारा से ही निकला पत्थरों के बीच में से, उस दौरान बीच में से ही आके उन्होंने डंडे बरसाना शुरू कर दिया, मुझे भी हटना पड़ा, डंडे मेरे को लग जाते। तो दोस्तों नीचे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको भी जानकारी है सांपों के बारे में, ये स्नेक जो है ये बेचारा मर गया है, ख़त्म हो गया है, ये दो जगह से बहुत ज़्यादा इसको हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, देखते देखते मेरे सामने मर गया, मैं चाह रहा था इसको बचा लें किसी तरह से, ये बच नहीं पाया। ये कौन सा सांप है, ये कॉमन कुकरी है ना, ये हार्मलेस है ना, तो लोगों को जानकारी मिल पाए मैं चाहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सांपों के बारे में जानकारी मिल पाए, कौन कौन से सांप ऐसे हैं जो हार्मलेस हैं, कौन से हार्मफुल हैं, और मैं लोगों को भी आग्रह करना चाहता हूँ कि थोड़ा सर्च करें, थोड़ा टाइम निकालें, आसपास जिनके सांप निकलते रहते हैं देखें कौन कौन से सांप जहरीले नहीं होते, कम से कम उनको तो जाने दें। चलिए, धन्यवाद।